अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं स्टूडेंट्स? खैरियत से होंगे आप? तो हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था। डिस्कवरीज के बाद हमारे पास टॉपिक आता है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी जो है इस फिनोमेना को एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था हेनरी बेकरेल ने, जब वो एक ओर पे काम कर रहा था और वो ओर था यूरेनियम का, जिसका बहुत ही डार्क और ब्लैकिश कलर था। इस वजह से उसका नाम था पिच ब्लेंड। पिच लफ्ज का मतलब है डार्क। तो इसने देखा कि उस मिनरल से, जो यूरेनियम का मिनरल था, ओर था, उससे कुछ रेडिएशंस निकल रहे थे जो इनविजिबल थे, और वो इनविजिबल रेडिएशंस जो हैं वो फोटोग्राफिक फिल्म पे अपना इम्प्रेशन छोड़ रहे थे, अफेक्ट कर रहे थे फोटोग्राफिक फिल्म को। तो इसने कहा कि ये जो रेडिएशंस हैं, ये सारे मटेरियल्स को इसने एक 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 करके उसके साथ रखा। किसके साथ? फोटोग्राफिक फिल्म के साथ। तो जो यूरेनियम का ओर था उसकी वजह से फोटोग्राफिक फिल्म पे असर हो रहा था। तो इसने कहा था ये जो ओर्स निकल रहे, ये जो रेडिएशंस निकल रहे हैं, ये उस यूरेनियम के ओर से निकल रहे हैं। आगे चल के इसने ये देखा कि उन जो रेडिएशंस का है वो रेट, वो है यूनिफॉर्म रेट, माना उनकी रफ्तार ना बढ़ रही थी ना कम रही हो रही थी, जिस पेस से वो निकल रहे थे उसी पेस से वो निकल रहे थे। ठीक है, और इसने ये देखा कि ये जो रेडिएशंस हैं ये कंडीशन पे डिपेंड नहीं करते। मींस वैसे आम रिएक्शन हम जो देखते हैं उसमें टेम्परेचर या प्रेशर या दूसरी चीज़ों को चेंज करते हैं तो वो रिएक्शन चेंज हो जाता है, लेकिन ये जो था अनअफेक्टेड था बाय द एक्सटर्नल कंडीशंस। तो फिर इसने एक टर्म दी रेडियो एक्टिविटी, और रेडियो एक्टिविटी को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? हेनरी बेकरेल ने। ठीक है, तो हेडिंग देते हैं हम रेडियो एक्टिविटी। और ये रेडियो एक्टिविटी जो है ये हमें प्रोवाइड करती है क्या? कंफर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की कंफर्मेशन प्रोवाइड करती है। इसको किसने डिस्कवर किया था, इंट्रोड्यूस किया था? ये किया था हेनरी बेकरेल। ठीक है, जब वो वर्किंग कर रहा था किसके ऊपर? वर्किंग ऑन द मिनरल ऑफ यूरेनियम। ठीक है, पिच ब्लेंड। अब आप सोच रहे होंगे कि पिच ब्लेंड का फार्मूला क्या है? पिच ब्लेंड का फार्मूला है UO2, यूरेनियम डाइऑक्साइड, और इसमें स्मॉल अमाउंट होता है किसका? यूरेनियम ट्राइऑक्साइड का, UO3 का। ठीक है, लेकिन मेनली पिच ब्लेंड का मतलब है कि, पिच ब्लेंड का मतलब है क्या है कि ये। ठीक है, तो इसने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ इनविजिबल रेडिएशंस निकल रहे थे। ठीक है, तो इसकी अगर हम डेफिनेशन बनाएं तो डेफिनेशन क्या बनेगी? स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ इनविजिबल रेडिएशन बाय द एलिमेंट्स ड्यू टू देयर डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, तो इस फिनोमेना को क्या कहा जाएगा? रेडियो एक्टिविटी, स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ इनविजिबल रेडिएशन विच रिजल्ट्स इन डिसइंटीग्रेशन, या जिसे डिसइंटीग्रेशन हो, एटम टूट जाए, तो उसे कहा जाएगा रेडियो एक्टिविटी। और जो रेज होंगी, रेज आर नोन एज रेडियो
एक्टिव रेज, रेज को क्या कहेंगे हम, रेडियो एक्टिव रेज, एंड एलिमेंट्स आर नोन एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को क्या कहा जाएगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। समझ में आ रही है बात या इसमें कोई कंफ्यूजन है? अब ये जो रेडिएशन का रेट है, दिस रेट इज यूनिफॉर्म, मैंने आपको बताया था क्यों, क्योंकि ये सेम ही पेस से रहेगा और इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंडीशंस। एक्सटर्नल कंडीशन पे ये डिपेंड नहीं करता। ये किस पे डिपेंड करता है, एलिमेंट की नेचर के ऊपर। कोई एलिमेंट रेडिएशन इमिट करेगा, कोई एलिमेंट रेडिएशन इमिट नहीं करेगा। हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। नोट करें आप इसको, तो हम आगे बढ़े। ठीक है, और ये जो रेडिएशंस थे, इन रेडिएशंस में बहुत सारे पार्टिकल्स थे, लेकिन मोस्ट रेडिएशंस कंटेन्ड या कंटेन्स इलेक्ट्रॉन मोस्टली। और कौन से एलिमेंट्स करते हैं, मोस्ट एलिमेंट्स आफ्टर लेड, पीबी सैंपल है प्लंबम, आर रेडियो एक्टिव। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आफ्टर लेड आर रेडियो एक्टिव। ठीक है, समझ गए बात को या इसमें कोई कंफ्यूजन है? अब रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना, इससे आगे फिर इसके ऊपर स्टडी की किसने, दो साइंसदान थे, हस्बैंड और वाइफ, पेरी क्यूरी एंड मेरी क्यूरी। ठीक है, पेरी क्यूरी और मेरी क्यूरी ने क्या किया, दे ऑल्सो वर्कड ऑन रेडियो एक्टिविटी, और इन्होंने एक नया एलिमेंट आइसोलेट किया, और वो नया एलिमेंट कौन सा आइसोलेट किया, रेडियम फ्रॉम द मिनरल। ठीक है, दे आइसोलेटेड अ न्यू एलिमेंट, आइसोलेटेड अ न्यू एलिमेंट from new element from mineral as radium। ठीक है, इन्होंने नया elements discover किया, उसका नाम क्या था, radium था। अब इन radioactive rays को जब electric field से गुजारा गया तो ये रेज तीन हिस्सों में बट गए, एक वो जो प्लस की तरफ मुड़े, दूसरे वो जो माइनस की तरफ मुड़े, तीसरे वो जो कहीं नहीं मुड़े, मींस दे वेंट अनडिफ्लेक्टेड। तो यहीं से पता चलता है कि टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव रेज। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव रेज की जो टाइप्स हैं वो कितनी हैं, वो तीन हैं। तो अब हम हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेज, types of radioactive rays। When radiation emitted from a radioactive material is passed through the electric field or magnetic field। जब radiations को pass किया गया electric field से या magnetic field से, तो यह क्या हुआ, it is splitted into three parts। three parts में हुए, तो यहां से पता चला एक पार्ट का नाम रखा गया अल्फा रेस, दूसरे पार्ट का नाम रखा गया बीटा रेस, और तीसरे पार्ट का नाम रखा गया गैमा रेस। ठीक है, समझ गए बात को, नोट करें इसको, तो हम फिर आगे चलें।
ठीक है, यहां देखें, यहां हमने एक ब्लॉक रखा है, लेड ब्लॉक, ठीक है, और उस लेड ब्लॉक में हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा है, ठीक है, कोई सा भी। यहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है इसको, ठीक है, वी हैव प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से जैसे ही हमने इसको गुजारा तो क्या हुआ कि ये रेडिएशंस तीन हिस्सों में बट गए, एक इधर गया, दूसरा इधर गया, तीसरा इधर गया। अब यहां आपको पता है, मैंने आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में बताया था कि जो माइनस की तरफ जाएगा वो जाएगा जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो, तो यहां वो गया जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो ये था अल्फा, यहां वो गया जिसके ऊपर माइनस चार्ज था बीटा, यहां वो गया जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था न्यूट्रल, दैट इज गामा, ठीक है, डायग्राम समझ गए। अब हम लिखते हैं इनकी डिटेल्स, पढ़ते हैं हम। नंबर वन, अल्फा रेज, ठीक है, यूं लिखते हैं अल्फा रेज। अल्फा रेज क्या हैं? जब अल्फा रेज को क्लोजली स्टडी किया गया तो अल्फा रेज क्या थे? दीज रेज आर फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियर, फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियर। अब हीलियम आपने पढ़ा है, हीलियम किसे कहते हैं? जिसका एटॉमिक नंबर 2 हो, मास नंबर 4 हो, वो हीलियम न्यूक्लियर हीलियम है। अब हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, लेकिन यहां क्या है कि हीलियम न्यूक्लियर का मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड हैं, ठीक है, इट्स इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, इट्स इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। तो हीलियम न्यूक्लियर अगर हम कहेंगे तो इसका मतलब उसके ऊपर कितना चार्ज दिखाएंगे हम? प्लस 2। मीन्स हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हीलियम आर रिमूव्ड, हीलियम के इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? रिमूव्ड हैं। ये जो मूव करते हैं तो दे मूव विद अप्रोक्सीमेटली 1/100th ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड से 100 टाइम कम इनकी स्पीड होती है, ठीक है। इसके अलावा जब ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर टकराते हैं तो वहां पर ये क्या करते हैं? ब्राइट फ्लैशेस प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस ब्राइट फ्लैशेस ऑन फ्लोरेसेंट स्क्रीन, फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे ये जब टकराते हैं तो ब्राइट फ्लैशेस प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा क्या है? दे आयोनाइज, जहां से ये पास होते हैं वहां ये क्या काज करते हैं? आयोनाइजेशन। और इनकी आयोनाइजेशन जो है वो क्या है? मैक्सिमम आयोनाइजेशन पावर, ठीक है, मैक्सिमम आयोनाइजेशन पावर। और यहां इनकी जो स्पीड है वो मिनिमम है, या हम ये कह सकते हैं कि दे हैव मिनिमम पेनिट्रेटिंग पावर, मींस अगर किसी मटेरियल से पास हो तो सबसे कम यह पास होंगे। और अगर इनकी रेंज देखी जाए कि हाउ मच डिस्टेंस दे कैन ट्रेवल इन एयर, तो एयर में ये 1 to 2 सेंटीमीटर चलते हैं, तो मीन्स वेरी स्मॉल रेंज इन एयर, एयर मीन्स 1 to 2 सेंटीमीटर अंटिल दे आर कंप्लीटली स्टॉप्ड। और एक पॉइंट रह गया कि दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, और ये अंडरस्टूड है, हीलियम के न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस किसी का भी हो उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। इसको नोट करें आप, तो हम आगे बढ़ें। ठीक है, द
दिस इज द रेडियो एक्टिविटी, ये रेडियो एक्टिविटी है। अब तीसरा हमारे पास है, बल्कि दूसरा ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है बीटा रेस। बीटा रेस क्या है? बीटा रेस आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, बीटा रेज आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। और क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है, इनकी जो स्पीड है वो, देयर स्पीड इज 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड ऑफ लाइट आपको पता होगा, स्पीड ऑफ लाइट को सी से जाहिर करते हैं, वो कितनी है, 3×10⁸ मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। इनकी जो आयोनाइजिंग पावर है वो मॉडरेट है, ठीक है, दे हैव मॉडरेट आयोनाइजेशन पावर, आयोनाइजेशन पावर इनका मॉडरेट है, ठीक है। पेनिट्रेटिंग पावर भी मॉडरेट है, मॉडरेट मींस दे कैन पास पास थ्रू अ स्मॉल थिकनेस ऑफ मैटर, ठीक है, मैटर की स्मॉल थिकनेस से ये आसानी से पास हो सकते हैं। और इनकी जो रेंज है, रेंज इज 1 to 2 मीटर इन एयर अंटिल दे आर कंप्लीटली स्टॉप्ड, ठीक है। ये हो गई अल्फा रेस, बीटा रेस। तीसरी आती है हमारे पास, नंबर 3 इज गैमा रेस, ठीक है। गैमा रेस क्या है? गैमा रेस हैं, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये क्या हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक है, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ लाइक एक्सरेस, ठीक है। और जैसे ही हमने कह दिया कि भाई ये रेज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तरह, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दीज आर नॉट पार्टिकल्स, ठीक है, ये एनर्जीज हैं। और ये इनकी स्पीड क्या है? दे मूव विद द स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड के बराबर है। और इनका जो आयोनाइजिंग पावर है वो सबसे कम है, आयोनाइजेशन पावर या आयोनाइजिंग पावर इज मिनिमम, मिनिमम की बात कर रहा हूं, तो मींस अल्फा से बीटा से कम है इसका, ठीक है। और पेनिट्रेटिंग पावर मैक्सिमम है, पावर इज मैक्सिमम, मींस ये इवन लेट से लेट में भी दे कैन ट्रेवल अप टू 15-20 सेंटीमीटर, रेंज इज 15-20 सेंटीमीटर इन लेड। अब आप हिसाब लगा लें, लेड एक सॉलिड किस्म का मटेरियल है, वहां से ये पास हो रहे हैं तो ये क्या है, ठीक है। इसको आप नोट करें, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे से पूछें। तो रेडियो एक्टिविटी से पता चला हमें, क्या पता चला, कि एलिमेंट जो, एटम जो है वो हम उसको इनडिविजिबल नहीं कह सकते, ठीक है, कि एटम इज डिविजिबल। एटम क्या है? एटम डिविजिबल है और इट कैन इमिट इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड अदर पार्टिकल्स, ठीक है।
तो इसीलिए हमने जब रेडियो एक्टिविटी लिखा था तो हमने लिखा था कि इट इज द कन्फर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इसको नोट करें आप, तो हम फिर इसके कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं। अब हमने अल्फा रेस पढ़ा, बीटा रेस पढ़ा, तो अब अगर किसी से अल्फा एमिशन हो, बीटा एमिशन हो या गामा एमिशन हो, तो उस न्यूक्लियाई के ऊपर, उस एटम के ऊपर क्या असर होगा, वो हमें देखना है। और इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारे एमसीक्यूज हमें हल करने, जो मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं ताकि टाइम कम लगे। अल्फा एमिशन देखें, अल्फा एमिशन इट अफेक्ट्स बोथ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ये एटॉमिक नंबर को भी अफेक्ट करता है, ये मास नंबर को भी अफेक्ट करता है। इट अफेक्ट्स बोथ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर को जेड से जाहिर करते हैं, मास नंबर को ए से जाहिर करते हैं, ठीक है। अब देखें, अल्फा रेज आपको पता होगा कि दे आर हीलियम न्यूक्लियाई, और हीलियम के बारे में एक बात याद रख लें कि उसका एटॉमिक नंबर 4 है, एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4 है। तो अगर किसी से अल्फा निकलेगा तो जो नया एलिमेंट बनेगा, डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा, उसका एटॉमिक नंबर 2 कम होगा और मास नंबर कितना कम होगा, 4। तो ये देखें, जेड 2 कम हो गया, मास नंबर कितना कम हो गया, 4, ठीक है। उसके बाद बीटा एमिशन। बीटा एमिशन क्या है? बीटा एमिशन अफेक्ट करता है सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर को। बीटा एमिशन ओनली अफेक्ट्स एटॉमिक नंबर, मास नंबर पे कोई अफेक्ट नहीं करता। क्यों? इसका सिंपल सा एक जवाब है कि भाई बीटा एमिशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है और इलेक्ट्रॉन के मास को क्या समझा जाता है, नेग्लिजिबल, कम मास है, तो इस वजह से मास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होता। अब बीटा एमिशन दो सेंसों में लिया जाता है, ठीक है। एक बीटा का मतलब इलेक्ट्रॉन, दूसरा का मतलब, बीटा का मतलब पॉजिट्रॉन। तो अगर किसी से बीटा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 बढ़ जाएगा, अगर पॉजिट्रॉन निकलेगा तो उसका एटॉमिक नंबर 1 कम हो जाएगा। तो एटम जब टूटा तो टूट के उससे अल्फा बना, टूट के उससे नहीं, टूटा तो उससे अल्फा भी निकला, बीटा भी निकला। जब अल्फा निकलेगा या बीटा निकलेगा तो एटम विल रिमेन इन एक्साइटेड स्टेट। एटम कौन सी स्टेट में होगा? एक्साइटेड स्टेट में होगा, और एक्साइटेड से हमेशा एटम रिटर्न करेगा कहां? ग्राउंड स्टेट में। तो याद रख लो, ये उसूल है केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, कि जब भी कोई चीज एक्साइटेड से ग्राउंड में आती है तो इट हैज टू लूज द एनर्जी। वो एनर्जी लूज करेगा, और वो एनर्जी जो लूज होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, दैट इज गामा रेडिएशंस, ठीक है। तो गामा रेडिएशंस ना एटॉमिक नंबर पे अफेक्ट करता है, ना मास नंबर पे अफेक्ट करता है। समझ गए या कोई कंफ्यूजन है इसमें? ठीक है, याद रखें, अल्फा इमिट होगा तो भी उसके साथ गामा इमिट होगा, बीटा इमिट होगा तो भी उसके साथ कौन इमिट होगा, गामा इमिट होगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो अब हम इसके कुछ सवाल करते हैं। शुरू में मैंने कुछ इक्वेशन के और टेक्निकल सवाल डाले हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बन जाए, और अगर आपके पास सवाल आए तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। सवाल नंबर 1, द रिजल्टिंग एलिमेंट इन द फॉलोइंग डिसइंटीग्रेशन, हमें दिया हुआ है U92238, और इसे देखो अल्फा निकला है। अगर अल्फा निकला है तो अल्फा निकलने के बाद यहाँ पे हमें एक ब्लैंक दी हुई है, तो याद रखो अल्फा निकलने से एटॉमिक नंबर कितना कम होगा, 2, तो 90 बन जाएगा। मास नंबर कितना कम होगा, 4, तो ये कितना बन जाएगा, 238। तो जवाब तलाश करो जहां 90 और 238 हो, 90 और 234। तो ऐसा तो मैंने कोई लिखा ही नहीं,
मजे की बात। तो किसी इसको कर देते हम, ठीक है, दिस इज 90, तो 90 और 234, तो इसका जवाब होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखें, इफ TH90-230 emits alpha rays, it gives alpha rays emit हुई, तो alpha rays emit होने से, ये भी सवाल उसी वाले pattern का है लेकिन थोड़ी language change है, तो ये 90 से कहाँ आ जाए, ये 90 से आ जाएगा कहाँ, 88 में, तो 90 से ये चला गया 88 में, ये कहाँ चला जाएगा, 4 कम होके ये चला जाएगा 226 में, तो 88 और 226 तलाश करो उसको जो है बदलती हुई ऋतुओं में, ठीक है। तो क्या होगा, इसका जवाब होगा सी। अगला सवाल देखें, व्हेन TH90-234 एमिट्स बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन इट गिव्स, अब आपको पता है कि बीटा निकलने से मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, नो इफेक्ट ऑन मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, कितना इंक्रीज होता है, 1, तो 90 से 91, तो हमें 91 तलाश करना है और 234 तलाश करना है, 91 और 234, तो ये मैंने 2 में लिख दिया, 91 और 234, तो इसको 90 कर देते हैं, ठीक है, तो 91 और 234, तो दिस विल बी द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ Pa91-234 डिसइंटीग्रेट्स बाय बीटा नेगेटिव देन इट फॉर्म्स, यहां भी देखो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, 92 और मास नंबर वही रहेगा, तो 92 और मास नंबर वही, तो जवाब होगा ये, ठीक है, समझ में आ गई बात, या इसमें कोई कंफ्यूजन है, नोट कर लिया, चलो आगे। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, ऐसे सवाल 2-3 दफा आए हुए हैं। अब यहां देखें, ये एक है, इससे हमने क्या निकला, अल्फा, अल्फा निकलने के बाद क्या होना चाहिए, अल्फा निकलने के बाद ये होना चाहिए कि हमारे पास एटॉमिक नंबर 2 कम होना चाहिए और मास नंबर कितना कम होना चाहिए, मास नंबर कम होना चाहिए 6 और 4, तो मींस 206 तलाश करना है और ये कितना होगा 84, 206 और 84, तो 206 और 84 इस ऑप्शन में है, तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ये 84 कर लो। आगे देखो, आइडेंटिफाई द मिसिंग इन द रिएक्शन, अब यहां पे स्टार्टिंग सब्सटेंस मिसिंग है, हमारे पास नाइट्रोजन 714 बना हुआ है और हमें इलेक्ट्रॉन निकला हुआ एक, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मींस पॉजिट्रॉन, तो याद रखो जिससे पॉजिट्रॉन निकलता है उसका एटॉमिक नंबर 1 बढ़ता है, इसका मतलब यहां पे जो था उसका एटॉमिक नंबर 6 होगा, मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो मास नंबर वही रहेगा, तो 6 और 14 तलाश करो, 6 और 14 कहां है, यस यहां है 6 और 14, तो ये जवाब होगा। आगे देखें, अब ये सवाल मैंने ओ लेवल ए लेवल से उठाए, The atomic number is not changed by which type of radioactive decay. Atomic number किस decay से change नहीं होते, alpha, beta, gamma. तो अगर quick review मैं आपको दूं, तो alpha किसको affect करता है, atomic number को भी, mass number को भी. Beta किसको affect करता है, atomic number को करता है, mass number को नहीं करता. Gamma किसको करता है, किसी को भी नहीं. तो इसका जवाब क्या होगा कि कौन है जो atomic number को affect नहीं करता, that is gamma. नेक्स्ट सवाल देखो, हीलियम न्यूक्लियर पार्टिकल्स आर कॉल्ड, हीलियम न्यूक्लियर पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड अल्फा। आगे देखें, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज रिड्यूस्ड बाय 2, विच फॉर्म ऑफ रेडियो डिके इट इज, अब देखें प्रोटॉन्स 2 कम हुए, तो प्रोटॉन्स 2 कम किस वजह से होते हैं, प्रोटॉन्स 2 कम होते हैं अल्फा की वजह से, ठीक है, तो अल्फा डिके। आगे देखें, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल द 3 टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव एमिशंस, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होते हैं, हाँ,
अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा नहीं होता, तो ये तीनों के लिए सही नहीं। दे आयोनाइज गैसेस, आयोनाइजेशन सारे करते हैं, तो इसका जवाब होगा ये ऑप्शन बी। एमिट लाइट कंप्लीटली, ये सारों पे मैच नहीं करता। नेक्स्ट सवाल देखो, गामा रेज हैव नो मास एंड चार्ज ऑफ प्लस वन, नो मास एंड नो चार्ज, नो मास एंड चार्ज ऑफ प्लस टू, मास ऑफ वन एमयू एंड चार्ज ऑफ प्लस वन। तो यहां क्या है गामा का, क्या है नो मास एंड नो चार्ज। ये लास्ट, अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ, अल्फा पार्टिकल हम किसे कहते हैं, हीलियम न्यूक्लियाई को। तो हीलियम न्यूक्लियाई में क्या होते हैं, दो प्रोटॉन्स एंड दो न्यूट्रॉन्स, मींस टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स। ठीक है, समझ गए या इसमें कोई कंफ्यूजन है, नोट करें ये। और अब एंड में मैं आपसे एक पॉइंट बताता हूं और उसको बेस बना के एक सवाल पूछता हूं आपसे कि भाई अल्फा इमिट करने से एटॉमिक नंबर दो कम होता है, तो इसका मतलब अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो उस एलिमेंट का जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप की जो कमी होगी वो दो ग्रुप वो पीछे चला जाएगा। ठीक है, अगर फाइव में है तो थ्री में चला जाएगा, थ्री में है तो वन में चला जाएगा, वन में है तो कहां जाएगा, ये आपका सवाल। ठीक है, दूसरा कि अगर कोई एटम एक अल्फा इमिट करता है और वो एटम बिलोंग करता है फिफ्थ ग्रुप में, एटम बिलोंग करता है फिफ्थ ग्रुप से, उसने क्या किया कि एक अल्फा इमिट किया, उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसने दो बीटा इमिट किए, तो अब बताओ इनिशियल एलिमेंट था फिफ्थ ग्रुप में तो फाइनल एलिमेंट कौन से ग्रुप में होगा, इफ दिस एलिमेंट एमिट्स वन अल्फा फॉलोड बाय टू बीटा, कौन से ग्रुप में होगा और पहले एलिमेंट और जो बनने वाले एलिमेंट में क्या रिलेशन होगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, इस पे हमने एमसीक्यूज भी डिस्कस किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।